हेलो एवरीवन, मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पिछले कुछ लेक्चर से खेल खेल में पढ़ाई एक टॉपिक लेकर आए हैं, इसमें हमारा उद्देश्य बच्चों का ध्यान मोबाइल से, मोबाइल स्क्रीन से, पबजी से, फ्री फायर से हटाकर मैथ्स की तरफ खींचना है। बड़ा मज़ा आता है जब आप कैलकुलेटर से पहले ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओगे। कैलकुलेटर से भी तेज, मैंने पहले से लिख रखा है, देखिएगा ज़रा कैसे। कैलकुलेटर से पहले नहीं आए तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपका भी आएगा। देखिए, मैं इसको कैलकुलेटर से पहले कर रहा हूं। व्हाट इज दैट? इट इज नॉट मैजिक, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज मैजिक मैथ्स। ये जादुई मैथ्स है, ये जादू नहीं है, जादुई मैथ्स है। देखिए, आप मुझसे तेज कर लोगे, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ भाई, कुछ कुछ मैं मैथ्स में ही मेरा इंटरेस्ट है, छोटे से ही मुझे पढ़ने में बहुत मन लगता है मैथ्स पढ़ने में। ठीक, तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं तो हमने कहा बच्चों के साथ शेयर कर दिया जाए, सभी को बता दिया जाए। आइए एक्सप्लेन करता हूँ, दो मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक, टोटल टाइम आपका 5 मिनट से कम ही लगेगा। देखिए, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है उससे एक कम कर लो, आप एक कम कर लो इससे, 8720, बस खत्म। अब इसको हाई डिजिट को 9 बना दो, हाई डिजिट को 9 बना दो, तो 8 में 1, 7 में 2, 2 में 7 और 0 में 9 मिला दिया, तो ये हाई डिजिट 9 बना दी, आंसर आ गया। कैलकुलेटर से मिला लीजिए, आप चेक कर लीजिए। इधर देखिए, 786 एक कम कर गया, 785, इन तीनों को 9 बना दो, 7 का 2 मिलाए तो 9 बन गया, 8 में 1 मिलाए तो 9 बन गया, 5 में 4 मिलाए तो 9 बन गया। इधर देखिए, 45 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 45 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, 45 से एक कम कर दो, 44 बचा, 4 को 9 बना दो तो 5 ऐड कर देंगे, 4 को 9 बना दो फिर से 5 ऐड कर देंगे, अरे हो गया ना। फिर इसमें से एक कम कर दीजिए, कर दिया कम, और इन सबको 9 बना दीजिए, तो 3 में 6 मिलाएंगे, 4 में 5 मिलाएंगे, 7 में 2 मिलाएंगे, 8 में 1 मिलाएंगे और 0 में 9 मिलाएंगे, तो ये 9 बन जाएगा। अरे मजा आया, ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं लगी? अच्छा, अब इसमें होता है कि अगर यहाँ पे कम नंबर रहते, कम डिजिट रहते, यहाँ पे ज़्यादा डिजिट। इन चारों क्वेश्चन में हमने ये देखा है अभी कि डिजिट बराबर हैं, 4 इधर संख्याएँ, 4 इधर हैं, 3 3 3, ऐसा वाला है। एक ऐसा देखते हैं जिसमें अलग अलग है। आइए, 9999 चार बार है, ठीक है, और 432 है, इधर 3 डिजिट है, तो इस 3 डिजिट को हम मन में कंसीडर करेंगे 4 डिजिट, और इस 3 डिजिट को हम मन में कैसा मानेंगे, 0432, ऐसा हमारे मन में ऐसा रहेगा, इसकी बराबरी करवा देंगे। 3 डिजिट की नंबर है, इसको 4 में लिख लिया, लेकिन है ये भी 432, 432 ये भी है। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम, 0431, इससे एक कम करना है जैसा आप कर रहे थे, इन सबको 9 बनाना है, सबको 9, तो 0 में 9 मिलाएंगे, 4 में 5 मिलाएंगे, 3 में 6 मिलाएंगे, 1 में 8 मिलाएंगे, दिस इज द आंसर। 0 मिटा दो इसमें से, आंसर आ गया। एक और देख लो, 9999, और हमने कहा इसको 67 से मल्टीप्लाई करो। अब 67 की टेबल नहीं आती कोई, भाई हमें भी 40 तक आती है, एक दिन हम सुना के बताएंगे आपको भी, सबको याद करने का बोलेंगे, इंटरनेट पर बहुत लिखा रहता है 1 से 100 तक की पहाड़ा सीखें, टेबल सीखें, फालतू समय खराब करते हैं। पहाड़े की कोई ट्रिक नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए, और अगर पहाड़ा ट्रिक से करोगे तो फिर हो गई आपकी मैथ्स, मैथ्स कभी नहीं बनने वाली हमसे फास्ट। देखिए 67, तो इसको हम मन में कंसिडर करेंगे ऐसा, ठीक, इसमें से एक कम करेंगे तो 66 बचाओ, 20 तो ये लिखे ही जाएंगे यहाँ पे, है ना, ये हो गया। अब इसको 9 बनाओ, हर डिजिट को 9 बनाओ, हर डिजिट को 9 बनाओ, 33, ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक, बच्चे इनसे खेलते हैं, अच्छा लगता है, एक दूसरे से पूछते हैं, दिमाग तेज होता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। आइंस्टीन, न्यूटन, रामानुजन अलग से पैदा नहीं हुए थे, यहीं पे आके उन्हें मेहनत किया, सीखा, उनको इन चीज़ों से लगा हुआ। अभी हम चार चीज़ें बता रहे हैं, कोई बच्चे इससे ज़्यादा पता नहीं क्या क्या एक्सप्लोर कर देंगे, बस बात है हमें उनको सही रास्ते पे, एक रास्ते पे, इस डायरेक्शन में चला देने की। चलिए,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आप लोग जिस तरह से कमेंट करके आंसर लिखते हो, प्लीज मैं दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, मेरी छाती फूल जाएगी, मुझे मजा आ जाएगा कि हाँ आपने हमारी क्लास को सीरियसली समझा। एक में क्वेश्चन लिख रहा हूँ 999 में 727 का मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 999 चार है ये, इसमें 6724 का करना है, और ये चार डिजिट है और इसमें 47 का करना है। प्लीज बिना कैलकुलेटर के आप करके कमेंट में आंसर लिख दीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिए। और कंपटीशन की पढ़ाई करने वाले बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं, डोंट वरी, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हफ्ते में दो बार ऐसे ट्रिकी लेकर आऊंगा मैं, ट्रिक वाले, और जल्दी ही आपकी पूरी मैथ जितने उसमें टॉपिक हैं, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ा बहुत वर्ग समीकरण, थोड़ी थोड़ी लॉग, लॉगरिथम, थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, सब कुछ हम एक बार एक्सप्लेन करके यूट्यूब पे भरे दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए और कंपटीशन की तैयारी करके आप निकल जाइए, बड़े ऑफिसर बन जाइए। जिन भी बच्चों को मैंने ऑफिसर बनते हुए देखा है, मेरे बहुत सारे बच्चे ऑफिसर हैं, अलग अलग सर्विसेज में पहुंच गए हैं, उन सब में एक कॉमन बात रही है, सबको इस तरह की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता था, बड़े रुचिपूर्वक पढ़ते थे, ठीक है बच्चों। तो आपका समय खराब ना करें, प्लीज़ कमेंट में इसको लिख दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है तो, और नहीं है इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।